brought to you by Cuckoo FM and Infinix. गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक चर्चित डायलॉग है। इसमें रामधीर सिंह अपने बेटे जेपी सिंह से कहता है, वो अवैध तरीका अपना रहा है, तुम वैध तरीका अपनाओ। आज के समय की ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये डायलॉग चीन पर एकदम फिट बैठ रहा है। चीन ने वैध तरीके से यूनाइटेड किंगडम की वायुसेना में सेंधमारी की है। यूके की वायुसेना को रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। चीन ने RAF के कम से कम 30 रिटायर्ड फाइटर पायलट्स को अपनी तरफ खींचा है। ये पायलट चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रंग रूटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें से कुछ पायलट RAF के सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स उड़ा चुके हैं। इसे आशंका बढ़ रही है कि चीन उनसे सीक्रेट जानकारियां उड़ा सकता है। यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि इस मामले में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने एक अलर्ट जरूर जारी किया है। इसके अलावा वे पायलटों को रोकने के लिए कानून सख्त बनाने की मांग भी कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे चीन रॉयल एयरफोर्स के रिटायर्ड फाइटर पायलट्स में दिलचस्पी क्यों ले रहा है और यूके ने थ्रेट अलर्ट क्यों जारी किया है। चीन के बाद चलेंगे इसराइल। इस देश की असली राजधानी को लेकर चल रहा झगड़ा ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। 2018 में स्कॉट मॉरिसन सरकार ने वेस्ट जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। अब नई सरकार ने पुराना फैसला पलट दिया है। कहा है कि उनका देश तेल अवीव को ही इसराइल की राजधानी मानेगा। वेस्ट जेरूसलम इसराइल फिलिस्तीन विवाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है और ऑस्ट्रेलिया ने 4 बरस पहले का फैसला क्यों पलट दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक जरूरी जानकारी, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू FM। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अगर आप चीन या इसराइल में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यहाँ काम की किताबें मिल जाएंगी। इस दिवाली कुकू FM लल्लन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर भी लेकर आए हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट और खूब सारा इनाम जीतने का मौका। इसके लिए आपको करना क्या होगा? करना ये होगा कि सब्सक्रिप्शन लेते समय दिवाली 50 का कोड डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर 25 अक्टूबर तक के लिए ही है। तो मनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पहले बात कर लेते हैं चीन की, जिसने पश्चिमी देशों के फाइटर पायलट्स पर नज़र गड़ा रखी है। पहले आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं। अक्टूबर 2015 में defensenews.com ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसका टाइटल था, चाइनीज कंपनी बिल्ड्स ग्रोइंग अफ्रीकन प्रेजेंस, यानी अफ्रीका में चीनी कंपनी की बढ़ती मौजूदगी। इस रिपोर्ट में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की सहायक कंपनियों के बारे में बताया गया था। उस दौर में ये कंपनियाँ अफ्रीकी देशों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही थी। उनका इरादा था कि चीन के एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक उभरता हुआ मार्केट तैयार किया जाए। ये मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट दोनों के बारे में था। तब से AVIC ने अफ्रीका में अपना विस्तार ही किया है और समय के साथ अपना मुनाफा भी बढ़ाया है। AVIC चीन की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में शामिल है। इसकी 100 से अधिक सहायक कंपनियां भी हैं, जबकि इसमें 5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। AVIC दुनिया के कई देशों तक फैली हुई है। नवंबर 2020 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को चाइनीज आर्मी से जुड़ी 31 कंपनियों में निवेश करने से रोक दिया था। इस लिस्ट में AVIC का नाम भी शामिल था। कट टू मई 2022, एपो टाइम्स में आंद्रेस कोर की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, चाइनाज एयरफोर्स इज ट्रेनिंग इट्स पायलट्स इन साउथ अफ्रीका। इसमें बताया गया था कि जानकारी मिली है कि चाइनीज एयरफोर्स साउथ अफ्रीका में अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करवा रही है। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के रिटायर्ड फाइटर पायलट्स को हायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक AVIC में टेस्ट फ्लाइट अकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। TFASA 2003 से पहले नेशनल टेस्ट पायलट स्कूल के नाम से चलती थी। जब इसका चीन के साथ लिंक हुआ तब अमेरिका ने दबाव बनाया, फिर इसे बंद भी करना पड़ा था। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार TFASA पश्चिमी देशों की एयरफोर्स के पायलट्स को भारी भरकम सैलरी देकर अपनी तरफ खींच रही है। उन्हें पहले साउथ अफ्रीका लाया जाता है, फिर उनको गुपचुप तरीके से चीन भेजकर ट्रेनिंग कराई जाती है। जब ये रिपोर्ट छपी तब मांग चली कि ऐसे पायलट्स का लाइसेंस छीना जाए, TFASA और AVIC के सिक्योरिटी क्लियरेंस हटाए जाएं, पश्चिमी देशों में इनकी सहयोगी कंपनियों पर ताला लगाया जाए। आलोचकों का कहना था कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नरसंहार की आरोपी है, उसने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकार का उल्लंघन किया है, इसलिए ऐसी कंपनी को ऑपरेट करते रहने का कोई हक नहीं है। आज हम आपको एक कहानी सुना क्यों रहे हैं?
जैसा कि हमने एपिसोड की शुरुआत में बताया, ब्रिटिश एयरफोर्स में काम कर चुके कम से कम 30 फाइटर पायलट अपनी सेवाएं चीन को दे रहे हैं। उसको लेकर ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि ये ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो पायलट चीनियों को ट्रेनिंग देने गए हैं वे टाइफून, जैगुआर, हैरियर, टोर्नाडो और F-35 जैसे जहाज उड़ा चुके हैं। अधिकतर रिटायर्ड पायलट्स 50 से ऊपर की उम्र के हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि उन्हें साउथ अफ्रीका की फ्लाइंग एकेडमी के जरिए रिक्रूट किया जा रहा है ताकि सीधे तौर पर चीन पर शक ना जाए। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से किस बात का डर है? आशंका ये जताई जा रही है कि पायलट्स पश्चिमी देशों की तकनीक चीन के साथ साझा कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से ब्रिटेन और चीन के बीच संबंध खराब हुए हैं। हांगकांग में पुलिसिया दमन की ब्रिटेन ने आलोचना की है। 1997 तक हांगकांग ब्रिटेन का ही हिस्सा था। इसके अलावा शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार की भी ब्रिटेन ने आलोचना की है। हाल के समय में ब्रिटिश सरकार चीन के प्रति सख्त हुई है। ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका में तनातनी बनी ही रहती है। अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि रिटायर्ड पायलट्स ने कोई खुफिया जानकारी चीन तक पहुंचाई हो या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन किया हो। हालांकि ब्रिटिश सरकार को इस जोखिम लेने के मूड में नहीं है, वे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत संभावना यह भी है कि वे कानून बनाकर रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट्स को चीन जाने से रोक सकें। देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। चीन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां इसराइल की असली राजधानी को लेकर नई सरकार ने पुरानी सरकार का फैसला बदल दिया। पूरा मामला क्या है ये समझने से पहले इतिहास की थोड़ी सैर आपको करवा देते हैं। एक शब्द है क्रूसेड, मतलब होली वॉर, ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए। साल 1099 और महीना जुलाई का था। ये कालखंड पहली क्रूसेड का था। इसमें ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया। उसके कुछ समय बाद इजिप्ट में एक मुस्लिम योद्धा तैयार हुआ। ठीक 88 साल बाद उसने जेरूसलम पर हमला बोल दिया। उस वक्त जेरूसलम का सर्वे सर्वा था बालियन डी बेलिन। बालियन लड़ाई हार चुका था। दुश्मन सेना ने जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया, फिर भी बालियन सरेंडर करने को तैयार नहीं। वो कैदी नहीं बनना चाहता था। बालियन ने उस वक्त जो शब्द कहे वो इतिहास के पन्नों में गहरी स्याही से लिख दिए गए। बालियन ने कहा था, हम अपनी औरतों और बच्चों को मार डालेंगे और जो कुछ हमारे पास उसे जला देंगे। हम तुम लोगों को एक भी दीनार लूटने नहीं देंगे, ना ही कोई दिरहम। एक भी आदमी औरत को बंदी बनाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। फिर हम पवित्र चट्टान, अलक्सा मस्जिद समेत दूसरे स्थलों को नष्ट कर देंगे। हम उन 5,000 मुस्लिम कैदियों को भी मार डालेंगे जिन्हें हमने अभी पकड़ रखा है। बाहर खड़ी सेना का योद्धा सामने आया। उसने कहा, हम आपको बंदी नहीं बनाएंगे, ना ही किसी का कत्ल करेंगे। उसने बालियन को 40 दिनों का समय दिया जिसमें वो युद्ध की भरपाई के रूप में कुछ राशि जमा कर सके। बालियन ने शर्त मान ली और सरेंडर कर दिया। बालियन को हराकर जेरूसलम को कब्जाने वाले उस योद्धा का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। ये किस्सा इसलिए सुनाया ताकि दर्शकों को पता चले कि जेरूसलम को पाने के लिए कैसी दीवानगी लोगों में रही है। जेरूसलम पर कई बार हमले हुए हैं, कई बार उसे जीता गया, लेकिन इस शहर के प्रति दीवानगी आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी शहर को लेकर वही तनाव है। लेकिन ऐसा क्या है इस शहर में? शहर के पुराने हिस्से में पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल है करीब 35 एकड़। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हबायत, ये हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट। इसी परिसर को मुस्लिम बुलाते हैं हरम अल शरीफ। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मुसलमानों के साथ ईसाइयों का भी इस शहर से अकीदा जुड़ा हुआ है। अब सवाल आता है कि इतने महान शहर का कब्जा किसके पास होना चाहिए? इसका जवाब होगा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इसराइल इसे अपनी राजधानी बताता है, लेकिन दुनिया के मुस्लिम मुल्कों समेत और भी कई देश इसका विरोध करते हैं। इस बहस में मोड़ आया 6 दिसंबर 2017 को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी 2018 में जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। लेकिन आज ये कहानी सुनाने की वजह क्या है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल की राजधानी के तौर पर जेरूसलम को दी गई मान्यता वापस ले ली है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इस मुद्दे को इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। अब समझते हैं जेरूसलम को लेकर इतना बवाल क्यों मचता है। इसके लिए हमें फिर से इतिहास में जाना पड़ेगा। जेरूसलम के इतिहास को समझने के लिए हम समय की दो अलग अलग टाइमलाइंस में जा सकते हैं। एक तो कुछ
100 साल पहले की, दूसरी टाइमलाइन है सदियों पहले की, ईसा से भी पहले की। सबसे पहले पुरानी वाली टाइमलाइन में दाखिल होते हैं। ईसा से तकरीबन 1000 साल पहले किंग सोलोमन हुए। उन्होंने जेरूसलम में एक मंदिर बनवाया। यहूदी मानते हैं ये मंदिर उस जगह है जहाँ पैगंबर अब्राहम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने की ठानी थी, लेकिन ईश्वर ने उनकी त्याग भावना को देखते हुए वहाँ एक भेड़ भेज दी, जिसके बाद अब्राहम ने भेड़ की कुर्बानी दी। कमोबेश मुसलमान भी इसी मान्यता को मानते हैं और इसी घटना के बाद ईद उल अजहा मनाते हैं। रही बात किंग सोलोमन की, तो इस्लाम में उन्हें एक पैगंबर का दर्जा मिला हुआ है। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर सुलेमान के पास जिन्नों को कंट्रोल करने की ताकत थी, उनकी मदद से उन्होंने मस्जिद ए अक्सा बनवाई थी। आप सोच रहे होंगे कि इन धर्मों में इतनी समानता कैसे, इनकी कहानियाँ और मान्यताएँ इतनी मिलती जुलती कैसे हैं। दरअसल यहूदी मुसलमान और ईसाई धर्मों के तार समय में पीछे जाकर एक साथ जुड़ते हैं। ये सभी पैगंबर इब्राहिम के मानने वाले हैं, इसलिए इन्हें इब्राहिमिक रिलीजन्स कहा जाता है। खैर, हम लौटते हैं किंग सोलोमन के बनाए हुए मंदिर की तरफ। इस मंदिर के बनाए जाने के तकरीबन 5 सदी बाद, माने 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकेंड टेम्पल। ये सेकेंड टेम्पल करीब 600 सालों तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है, इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये रही यहूदी मान्यता। मुसलमान मानते हैं इसी जगह, माने मस्जिद अक्सा से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफ़र किया था। इसे इस्लाम में मिराज नाम से जाना गया। साथ ही इसी मस्जिद में उन्होंने उनसे पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। मुसलमानों की इस मस्जिद से एक और मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल पहले मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे, लेकिन अल्लाह के एक आदेश के बाद ये रुख बदलकर मस्जिद ए हरम जो मक्का में है वहाँ पर कर दिया गया। पैगंबर मोहम्मद की वफात के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुसलमानों ने आगे चलकर वहाँ अल अक्सा मस्जिद की बिल्डिंग फिर से खड़ी की भव्य रूप में। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुबंद वाली इस्लामिक इमारत, इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। आगे जाकर इसके लिए कई क्रूसेड वॉर हुए ईसाई और मुसलमानों के बीच में। अब आते हैं हम अपनी पहली टाइमलाइन में, माने हाल के इतिहास में। जेरूसलम फ़लस्तीन की ज़मीन पर था। उस वक्त फ़लस्तीन पर ऑटोमन्स का कब्ज़ा था। साल 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। जर्मनी में यहूदियों पर जुल्म जारी था। यहूदी अपने घर की तलाश में थे। वे इसराइल को अपने पुरखों की ज़मीन मानते थे। उन्होंने अपने लिए उसी जगह एक अलग देश की मांग कर दी। ब्रिटेन ने उनकी मांगों को उठाया। फिर बलफोर डिक्लेरेशन हुआ। 1939 तक हर साल 10,000 से ज़्यादा यहूदी फ़लस्तीन में बसाए जाने लगे। 1947 में जिस साल हमें आज़ादी मिली, उसी साल यूएन ने सिफारिश की कि फ़लस्तीन की ज़मीन को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक यहूदियों को देना चाहिए, एक अरब देशों को। ऐसा हुआ भी। साल 1948 में गठन हुआ इसराइल का, लेकिन इसराइल इतने में खुश नहीं हुआ। वो जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि उसकी पवित्रतम जगह है, उसका टेंपल माउंट यहीं है। मगर जेरूसलम और टेंपल माउंट पर अधिकार मिलना इतनी साधारण बात नहीं थी। यहूदियों की ही तरह दुनिया भर के मुसलमानों की भी आस्था जुड़ी थी इससे। मुसलमान पहले ही इसराइल के गठन का विरोध कर रहे थे। ऐसे में जेरूसलम और टेंपल माउंट का कंट्रोल अगर इसराइल को मिल जाता तो भयंकर खून खराबा होता। संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में दुनिया के बड़े देशों ने एक मसौदा बनाया, इसे कहते हैं पार्टीशन रेजोल्यूशन। इसके मुताबिक जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही गई और इस कंट्रोल का पहरेदार यूएन ने खुद को बनाया। इसराइल मसौदे पर राजी था, मगर अरब मुल्कों ने इसे खारिज कर दिया। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष का एक अध्याय था 1967 का सिक्स डे वॉर। इस युद्ध में इसराइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेम्पल माउंट उसके कंट्रोल में आया। इसराइल ने इस इलाके को जीत तो लिया, मगर उसने पवित्र परिसर के कंट्रोल में बदलाव नहीं किया। उस समय इसराइल के रक्षा मंत्री थे मोशे डायन। उन्होंने टेंपल माउंट को लेकर मुस्लिम नेताओं से वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक टेंपल माउंट के प्रबंधन का अधिकार जॉर्डन को दे दिया गया। वो इसका कस्टोडियन बन गया। इस समझौते में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब यहूदियों को भी इस परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल पर्यटक के तौर पर। वो कंपाउंड में आ तो सकते थे, मगर वहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे दोनों तरफ के कुछ लोग खुश नहीं थे। कुछ समय तो सिचुएशन ऐसी ही रही, लेकिन जब मसला नहीं सुलझा तो 1982 में एक और झड़प हुई। इस बरस एलन गुडमैन नाम का एक इजरायली सैनिक पवित्र परिसर में स्थित डोम ऑफ द रॉक में घुस गया। उसने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद यहूदियों और मुस्लिमों के बीच भी तनाव बढ़ा, लेकिन मामला फिर शांत हो गया। हालांकि समय समय पर दोनों के बीच तनातनी चलती रही। फिर आया साल 2000।
इस साल इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शेरन को भारी भरकम सुरक्षा के बीच टेंपल माउंट पहुंचे। मकसद था इसराइल का अधिकार स्थापित करना। इस प्रकरण के चलते खूब फसाद हुआ, जेरूसलम में खूब दंगा हुआ। 2007 में फिलिस्तीन में एक टेम्पररी सरकार बनी। 2014 में हमास और इसराइल में जंग होनी शुरू हो गई। वेस्ट बैंक पर इसराइल का कब्जा है, गाजा में फिलिस्तीनी रहते हैं, पर इसराइल की मिलिट्री ने वहां डेरा डाल रखा है। 2014 में इसराइल और हमास में भयानक भिड़ंत हुई। 8 जुलाई से 26 अगस्त तक चली इस लड़ाई में 2000 से अधिक फिलिस्तीनी और 73 इसराइली मारे गए। फरवरी 2017 में इसराइल की संसद में कानून पारित हुआ जिससे वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में जहां फिलिस्तीन का कब्जा था वहां नई यहूदी बस्ती बसाई जा सके। साल 2017 खत्म होने को था। दिसंबर का महीना था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। व्हाइट हाउस के डिप्लोमेटिक रिसेप्शन रूम से ट्रंप ने एक घोषणा की। उस घोषणा ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। ट्रंप ने कहा, आज हम आखिरकार स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि जेरूसलम इसराइल की राजधानी है। यही वास्तविकता है, न इससे ज्यादा और न इससे कुछ कम। यही सही है। पूर्व राष्ट्रपतियों ने इस बारे में अभियान चलाया लेकिन इस वादे को पूरा करने में असफल रहे। आज मैं इस वादे को पूरा कर रहा हूँ। ट्रंप ने अमेरिकी प्रशासन को इस बारे में भी निर्देश दिया कि इसराइल के तेल अवीव स्थित अमेरिकी दूतावास को जेरूसलम ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका की देखा देखी में फैसला लिया और जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। लेकिन अब उन्होंने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पश्चिमी जेरूसलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता का फैसला पलट दिया गया है। राजधानी का दर्जा तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ शांति वार्ता पूरी नहीं हो जाती। इसे दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के साथ ही सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार का ये फैसला सही नहीं था, वो सिर्फ वोट पाने और चुनाव जीतने के लिए किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का दूतावास तेल अवीव में ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद इसराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने इस फैसले की सराहना की। इसराइल के प्रधानमंत्री एयर लापिड ने कहा, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार दूसरे मामलों को अधिक गंभीरता और पेशेवर रूप से हैंडल करे। जेरूसलम इसराइल की राजधानी है, ये हकीकत कभी नहीं बदलने वाली है। इसराइल फिलिस्तीन के मसले को विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं तो इस विषय पर मास्टर क्लास देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।